हिरण रक्षार सही शैतान सिंह गौशाला भोजासर की ये जो सुरभि गौ माता जिनका मैंने सुबह वीडियो भेजा था, आज चार दिन से स्थिति बहुत ख़राब थी और अंग्रेजी दवाई हमने खूब की, लेकिन आज अभी अभी ननेऊ से भोमाराम जी भादू जो भादू भाई होटल से प्रसिद्ध है, आप यहाँ आए और आपने आते ही गौ माता को स्नान करवाया और उसके बाद में इसकी स्थिति ठीक है कुछ है। अभी ये खड़ी हो गई, दो दिन से खड़ी नहीं हो रही थी ये सुरभि गौ माता। फिटकड़ी से हमने उनका मालिश किया, डिटोल से इनका मालिश किया, लेकिन आज आते ही आपने कहा कि मुझे केवल 10 मिनट इसके लिए दीजिए। तो आप हर जगह गौ सेवा में जाते, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक भयंकर महामारी आई है और भी जगह ये महामारी है, तो इनके लिए आप क्या देसी इलाज करते हैं, भोमाराम जी से निवेदन करूँगा। सभी भाइयों को प्रणाम। बातियों साथ ये कोई भी स्थिति में अगर गाय पड़ी है, पग सूजन है और स्थिति गंभीर है, तो सबसे पहला इलाज यूं है कि कम से कम पहला फिटकड़ी को पानी में भी मैं 1 किलो आधे किलो फिटकड़ी में 20-30 किलो पानी है तो वो पानी पहला भी नहाओ, बिंग बाद में 4-5 बाल्टी खूब पानी से नहला दो एकदम बढ़िया इसी तरह, तुरंत गाय खड़ी वेला, तुरंत स्थिति सुधरेला, गौ तुरंत करेला और तुरंत ये जगह एकदम चरने पीने के लायक हो जाएगा। अच्छा, स्नान के बाद में दूसरा इलाज यो है कि आधो किलो बड़ो बाट बाजरी को मोटो आटो फेरनो और भी मैं 1 चम्मच हल्दी नागनी और थोड़ो बहुत घी डालनो और बाद में भी ने बढ़िया बाजरी आटे ने ऊन एक तरफ को रोटो बनानो, एक तरफ सेकनो, एक तरफ भी सेकनो, पाव पाव आटे को रोटो बनाओ, दो रोटी बनाओ आधे किले में, एक तरफ सेक और बिन बढ़िया गाय ने चरा दो, मतलब अपने आप स्नान के 10 बाल्टी पानी ढोलो, 5-10 बाल्टी खूब नहलाओ, बिंग बाद में आ गाय देखो अपने आप चरण लायक हो जाएगा और गाय की स्थिति सुधर जाएगा और जितो हो सके जितो गौ माता बचाने के लिए शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद भोमाराम जी भादू साहब। अपनी हिरण रक्षार सही शैतान सिंह गौशाला में ये सुरभि गौ माता, एक पहले गौ माता जो संसार से चली गई है इस बीमारी से, और दूसरी वैसे तो 18 गायों की ये हो चुका है लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति खराब ये जो सुरभि गौ माता है इनके थी और आज आप आए और ये देसी नुस्खे से एकदम, हम आज 3 दिनों से आंखों में आंसू चल रहा था हमारे सबके, भाई ये सुरभि का क्या हालात होगा, लेकिन आज 3 दिनों से आपने पैरों पे खड़ा करके सुरभि को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद भोमाराम जी भादू ननेऊ भादू भाई होटल बीकानेर, धन्यवाद। आगे से शेयर करो भाई।